अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तीन चार लोग हैं, बहुत अच्छा। और कितने लोग हैं जो बूथ पर गए शहर में? इसके लिए हर कार्यकर्ता को उत्साह और ऊर्जा से भरने का जो आपने काम किया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत और जय हिंद। पौने 4 लाख, अब तो 5 लाख पार करना ही पड़ेगा। तैयार है इसके लिए? है या नहीं है तैयार? तैयार है ना सब लोग? पूरी तरह से इधर से उधर। यादव जी मुझे दिख रहे थे छुप छुप के। पहले महेंद्र सोलंकी जी कानून पढ़कर निर्णय देते थे, कलम चलाते थे। आज उस सदन के सदस्य हैं जहां कानून बनते हैं। ऐसे महेंद्र सोलंकी जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत प्रिय हैं, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य कि सांसद बनने से पहले से मेरे ये छोटे भाई हैं। महेंद्र भाई मेरे बहुत अभिन्न साथी। अब ये अलग बात है कि वो आज के मेजबान है, परंतु इनकी मेजबानी में सालों से प्राप्त करता आया हूं। ऐसे जिला अध्यक्ष हमारे देवास के भाई राजीव खंडेलवाल जी, मेरे बहुत बीच में रहूंगा। आप लोग यदि रात आत रुकने का कि आज्ञा दोगे तो ये 3 महीने में कम से कम 10-25-50 बार रुकूंगा। और मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि एक क्लस्टर का कार्यालय हम देवास और उज्जैन के बीच में कहीं पर खोलेंगे। देवास उज्जैन के ऐसा कुछ देख लेंगे भौगोलिक दृष्टि से, जो तीनों लोकसभा में हो। और मैं वहां पर मकान लेकर यदि कोई अच्छे से जुगाड़, जगदीश भाई बड़े आदमी हैं, इन्होंने यदि थोड़ी व्यवस्था कर दी, एक आग पलंग अलंग लगा दिया, तो मैं क्लस्टर के रूप में। आगाज तो उसी दिन हो गया मोदी जी के राज्याभिषेक का, जिस दिन हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने। तो बोलो सियावर रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बोलो देवास वाली मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम भाई और साथी हम सबके सामने यही विचार है। ये बात तो सही है कि देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। अब नारा लगाने की हमें जरूरत भी नहीं। 400 400, अरे खड़गे जी नहीं बोल दिया संसद में, उन्हीं ने बोल दिया कि 400 सीट आने वाली। पर मुद्दा यही है कि इस महायज्ञ में हम कार्यकर्ताओं की आहुति क्या होगी। जनता तो पूरे मन के साथ खड़ी है। जनता ने तो राम मंदिर के बारे में जो निर्णय हुआ है उस पर ठप्पा लगाने का मन बना लिया है। जनता ने तो कश्मीर को बचाने का जो हमारा 370 हटाने का निर्णय है उसको मान लिया है। जनता ने तो गरीब कल्याण को शिरोधार्य कर लिया है, मान लिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। परंतु जनता के इस भाव को, जनता की इस भावना को वोट में तब्दील कराने का, वोट में कन्वर्ट कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसलिए केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। 3 चुनाव में अभी तक जितने वोट मिले हैं उसमें कम से कम 370 वोटों का हम इजाफा करेंगे। ताकत के साथ अपना बूथ जिताएंगे और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे। आपके बूथ पर चुनाव लड़ने नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। आपके बूथ का चुनाव लड़ने मोहन यादव जी नहीं आएंगे। आपके बूथ पर चुनाव लड़ने महाराज साहब नहीं आएंगे। आपके बूथ पर चुनाव लड़ने आपके क्षेत्र के विधायक नहीं आएंगे। आपके बूथ पर चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। आपके बूथ के नरेंद्र मोदी आपको बनना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम ताकत के साथ अपना लोकसभा का चुनाव जीते और नरेंद्र मोदी जी।